मनुष्य के प्रयासों से और उसके कर्मों से धरती का वातावरण जो है वो दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 पौधे जो मुफ्त में दिए जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, आप पौधे प्राप्त कीजिए और लगाइए। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वन विभाग ने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया है और पिछले 2 दिन से वन विभाग की गाड़ी पौधों से भर के प्रत्येक सेक्टर में क्रमवार जा रही है। चंडीगढ़ का कोई भी नागरिक अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाकर वहां से अपने मनपसंद 5 पौधे लगा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त वन विभाग की गाड़ी आई हुई है और सेक्टर 29 के लोग इस वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाकर उनसे मनपसंद पौधे प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। पहले मेरा नाम यशोदा शर्मा है। यशोदा जी, जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रयास है, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनका प्रयास बहुत ही अच्छा है, अपने प्रकृति को हरा भरा कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रदूषण से बचे रहें, अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें। आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी प्रकृति में कितना धूल प्रदूषण हो चुका है, जिसको हम हरा भरा करके अपने प्रदूषण को, अपने ऑक्सीजन को अच्छे से अपने अंदर ले सके और बाहर अपना बाहर निकाल सके। सर, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहल की है, जी जी, पर्यावरण मंत्रालय ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जो है इसको तो प्रयास जो है बराबर करते रहना चाहिए हमें, ठीक है। पौधा लगाना हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में 1-2 पौधे जरूर लगाने चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए पौधे के बारे में। अगर ये पेड़ पौधे ही जीवित हैं तो हम जीवित हैं। अच्छा, ये जो भारत सरकार का प्रयास है पर्यावरण मंत्रालय का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा जो शुरू करा इन्होंने अभियान, ये बहुत बढ़िया है। पेड़ पौधे लगाने से क्या है, हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होएगा और जितना भी ये पोल्यूशन और पॉपुलेशन है, दोनों तरीके से दोनों फायदा ही है। तो आप अपनी लाइफ में अब तक कितने पौधे लगा चुकी हैं? नहीं, ऐसे तो घर में हमने बहुत कुछ लगाया हुआ है, जैसे छोटे छोटे प्लांट है और बड़े पौधे, पेड़ तो जैसे लगे हुए थे वो पहले से ही लगे हुए हैं हमारे घर में, लेकिन हम लोग लगाते रहते हैं, पौधे तो लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे। आपको पीपल, नीम और बड़ अवश्य लगाना चाहिए, घर में तो सभी को लगाते हैं, प्रयास किए कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बाहर तो हम लोग लगा, वैसे हमने लगाया भी है पेड़ ना, जैसे आप बता रहे हो, तो ये आम का है, ये लगाया था हमने, और पीपल का है, तो यहाँ पे तो नहीं लगाया, लेकिन बाहर जैसे थोड़ा दूर सड़क वड़क में इस टाइप से हमने लगाया है। सर, मेरा नाम है विशाल, मैं यहाँ पे सेक्टर 29 में ट्रिब्यून स्कूल में जॉब करता हूँ एज ए मेंटेनेंस इंचार्ज। जी सर, ठीक है। तो आपने सर अब तक कितने पौधे लगा लिए? मैंने मैक्सिमम, मुझे लगता है स्कूल में हमने कोई 25 पौधे लगाए हैं सर, जिसमें अमरूद के हैं, आंवले के हैं और मौसमी और किन्नू के पौधे हैं सर। हाँ जी, आपका प्रयास सराहनीय है सर, हम कोशिश करेंगे आपकी तरह चंडीगढ़ के जो और भी नागरिक आगे आए, आगे चंडीगढ़ को और भी हरा भरा बनाएं। सर, इंसान, मैं यही कहना चाहूंगा कि धरती होगी तभी इंसान सरवाइव कर पाएगा, यानी कि पौधा है तभी जीवन, ठीक है जी। और एक बात और कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि सर, ये मधुमक्खी के छत्तों को भी लोग बहुत जलाते हैं, मैंने बड़ी प्रयास किया इसको रोकने का, पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का किसी का भी कोई, किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इन्होंने इतने छाते जलाते हैं ये मलेरिया डिपार्टमेंट वाले, पर कभी किसी ने कोई गौर नहीं की इसके ऊपर।